हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान स्कूल प्यून रिक्रूटमेंट 2022, यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर एलिजिबिलिटी कैटेगरिया कितनी रहने वाली है और इसे कितने उम्र के कैंडिडेट यहाँ पर जो है इसे भर सकते हैं, साथ ही जो आप सभी की जो सलेक्शन प्रोसेस है वो कब तक होने वाली है, और फाइनली जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि दोस्तों यह जो अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक जारी होने वाली है। इन चीज़ों को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद राजस्थान सरकारी स्कूल के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी आउट की जा रही है प्यून के लिए। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, क्योंकि फाइनली शिक्षा मंत्री का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है इसकी नोटिफिकेशन को लेकर। क्योंकि दोस्तों तो कई दिनों से लगातार यह कोशिश की जा रही थी कि कब तक इसकी जो नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी, तो फाइनली शिक्षा मंत्री की तरफ से यह अपडेट आ चुकी है कि जो इसकी वैकेंसी है, जो इसकी नोटिफिकेशन है, वो यहां पर कब तक जारी होने वाली है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर, इसकी यहां पर क्वालिफिकेशन से लेकर और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यो अपडेट है वो यहां पर जो है 28 अगस्त 2022 को है, जिसमें कि यह बताया गया है कि राजस्थान यहां पर जो है स्कूल प्यून रिक्रूटमेंट 2022 राजस्थान स्कूल चपरासी फॉर्म भर्ती 2022, जिसको लेकर मैं आप सभी को एक चीज और कंफर्मेशन यहां पर दिला दूं, जिसमें कि जो बातें हैं वो इस भर्ती को लेकर बिल्कुल ही जेन्युइन है। यहां पर जैसे देख सकते हैं कि यह एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर का, जिसमें कि यह बताया गया है कि स्कूल में खाली पड़े चपरासी के पदों पर भर्ती होगी। पहले यहां पर जो है यहां पर पहले नियमों में संशोधन किया जाएगा, जिसको लेकर जयपुर की यह अपडेट है। शिक्षा मंत्री यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा के प्रदेश के सरकार यहां पर स्थित हैं कि सरकारी स्कूल में चतुर्थ तृतीय के कर्मचारियों की खाली पड़े पदों पर भर्ती की जल्द ही घोषणा की है। यानी कि दोस्तों रिसेंटली यह घोषणा की है, वो भी विधानसभा के अंदर की गई है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अपडेट है, कांग्रेस विधान हकल अलीम ने कहा यहाँ पर कहते हैं कि सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के अंदर, यानी कि डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तृतीय कर्मचारियों की 25,859 पदों पर मौजूदा होगी। यानी कि दोस्तों एक लंबी रिक्रूटमेंट है जिसके साथ कई सारे और भी वैकेंसी आउट की जाएंगे राजस्थान के स्कूलों के अंदर, क्योंकि स्कूलों की नोटिफिकेशन वो बहुत ही कम जारी की गई थी इस प्यून पोस्ट के लिए। अब दोस्तों इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पहले आप सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पर जो प्यून की वैकेंसी है उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है, एज आपको क्या होने वाला है, किस किस यहाँ पर कैटेगरी को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, साथ ही फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, सलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरह से रहने वाला है, इस चीज़ को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए कि राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2022 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप सभी की जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन जल्द ही शुरू किया जाएगा। कब शुरू किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा विद प्रूफ के साथ। दोस्तों यहां पर देखते हैं किया जाएगा इस बार 18,000 प्लस, यानी कि दोस्तों 18,000 से ज़्यादा इस वैकेंसी को आउट किया जाएगा, यानी कि 18,300 या 18,400 इस वैकेंसी को यहां पर पब्लिश किया जाएगा प्यून के लिए कि अधिक पदों पर भर्ती की आयोजित करवाई जाएगी। उम्मीदवारों भर्ती एवं अन्य सूचना नीचे दिए गए संपर्क करें। यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2022 के यहाँ पर जो है ऑफिशियल सूचना जल्द ही जारी होगी। बहुत से योग और यहाँ पर जो है इच्छुक हैं, यानी कि दोस्तों इस भर्ती के लिए उम्मीदवार बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं। यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर कहते हैं कि उम्मीदवारों द्वारा यहाँ पर राजस्थान स्कूल चपरासी की यहाँ पर रिक्रूटमेंट की इंतजार कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों लाखों उम्मीदवार इस वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं। और उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि इस बार बड़ी संख्या में राजस्थान प्यून रिक्रूटमेंट के लिए भर्ती की जो आयुक्ता की जाएगी, जिसमें कि आप सभी यहां पर कहते हैं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया है कि इस बार 18,000 से अधिक संख्या में भर्ती को कराया जाएगा। जो उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे
उनके लिए यहाँ पर स्थित हैं कि जो भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे सभी यहाँ पर स्थित हैं कि सभी इसे अन्य सूचनाओं को यहाँ पर जो है बताने वाले हैं। यहाँ पर जो सूचना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप सभी के देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट नॉम है यहाँ पर स्थित हैं कि राजस्थान स्कूल प्यून है जिसकी यहाँ पर पोस्ट जो है 18,300 या 400 के अराउंड निकलेंगे। अभी फॉर्म इसकी नहीं आई है, अभी दोस्तों इसकी आनी है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है यानी कि दोस्तों अगर आप 8वीं क्वालिफाइड हैं तो फाइनली दोस्तों राजस्थान के किसी भी स्कूल के अंदर या किसी भी विषय से अंदर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इस भर्ती के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन अभी आने वाली नहीं है दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन कब आने वाली है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। यानी कि दोस्तों सितंबर के सेकेंड या थर्ड वीक के बीच के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा आप सभी की ये नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसकी पूरी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों इसके लिए एक बड़ी चीज़ की जो उपलब्धि थी क्योंकि दोस्तों इसमें जो आप सभी के क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम होने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों एज कैटेगरी को लेकर मैं आप सभी को बता दूं क्योंकि एज कैटेगरी को लेकर आप सभी के यानी कि जो ओबीसी के उम्मीदवार हैं उन्हें कम से कम 5 साल के लिए यहां पर रिलैक्सेशन बिल्कुल ही मिलने वाला है, ये चीज़ के लिए आप सुनिश्चित कर लें। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, फिर भी किसी तरह का कोई भी आप सभी को कमेंट है या कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। और देख सकते हैं कि उम्मीदवारों का इसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट भी आया है, यहाँ पर स्थित उनके क्वेश्चन हैं जिसके उन्हें भी हल भी बताए गए हैं कि राजस्थान स्कूल की चपरासी भर्ती के फॉर्म कब चालू होंगे। तो यहाँ पर स्थित हैं कि विभाग के द्वारा अभी तक यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी की गई है। यानी कि दोस्तों सितंबर के सेकेंड वीक और थर्ड वीक के अंदर आप सभी की इसकी नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि दोस्तों इस वेबसाइट पर फाइनली जो है यहाँ पर जो इस वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर उन दिनों आप जाकर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसकी जैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी दोस्तों तो हमारे चैनल के माध्यम से वो आप सभी को इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी और वो फुल बाय डिटेल आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह एक अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें कि फाइनली यहाँ पर जो है विधानसभा में इन चीज़ों को लेकर उठाया गया और वो आप सभी के लिए उठाना बहुत ही ज़रूरी था। और फाइनली क्योंकि स्कूलों के अंदर बड़ी दिन से यहाँ पर जो है आप सभी की जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी की गई थी जिसको लेकर यह एक बहुत ही अच्छा कदम है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक के लिए ही निकल जो अपडेट निकल कर आ रही थी इसके रिगार्डिंग आप सभी की कोई क्यूरीज है या कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी की जो भी कन्फ्यूज़न है उन्हें दूर कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।